ऑलरेडी हर्ड रियली हाई अबाउट दिस फिल्म एंड कुछ भीगे अल्फाज नाम से ही पता चलता है कि बहुत ज़्यादा शायरी मिजाज की फिल्म होगी. एंड मैंने इसमें पहला नशा गाया है जिसके लिए बहुत अमेजिंग रिव्यूज़ मिल रहे हैं. सो आई एम रियली रियली लुकिंग फॉरवर्ड. एंड ऑनर की जो भी फिल्म होती है उसमें बहुत अच्छा कंटेंट होता है, अच्छा मीनिंगफुल कॉन्टेंट होता है. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू अ मीनिंगफुल फिल्म. पर्सनली डोंट बिलीव इन द वर्ड रिक्रिएशन बिकॉज इवन इफ वी सी पहला नशा इज एन आइकॉनिक सॉन्ग. सो हमारी तरफ से वो जो लेजेंड्स हैं जतिन ललित जी हो, मजरू जी हो, जिन्होंने ये गाना ऑरिजिनली क्रिएट किया है, उनके लिए ट्रिब्यूट कह सकते हैं बिकॉज आई थिंक ऐसे आइकॉनिक गाने रिक्रिएट तो किए ही नहीं जा सकते. बहुत ज़्यादा मन में डाउट्स थे कि पता नहीं कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा, बट आई एम हैप्पी कि वैलेंटाइंस पर रिलीज़ हुआ सबसे पहली बात तो. एंड हर तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स है, काफ़ी अच्छा तोहफा मिला आपके फैंस या और मुझे भी उन लोगों का प्यार मिला एज अ गिफ्ट वैलेंटाइंस पर. इसके अलावा आपके भाई की भी एक एल्बम आई है निशा, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए, कैसा रिस्पॉन्स? रियली रियली हैप्पी. एक्चुअली इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं. पलाश का जो नशा गाना है उसे भी बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिले जो कि मैंने लिखा भी है उसके साथ. सो जस्ट फीलिंग लाइक अ प्राउड 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 सिस्टर. नेक्स्ट हफ्ते गाना रिलीज़ हो रहा है फिल्म, आई थिंक आप लोग गेस कर लेंगे. बट उम्मीद यही है कि जितना प्यार अभी तक ये प्रोजेक्ट्स को मिला है उतना ही प्यार बरकरार रहे. I've actually seen the film already and I am very excited that the film is releasing tomorrow. It's a very today's film for young people. I think I really, really enjoyed it. It's a fun film. It's quite different from the usual Oni genre, so it was like a refreshing change. And I really enjoyed watching the film and I would definitely want the audiences to go and watch the film. It's a breezer. It's a very contemporary relationship drama. So what do you like to say about the performance of Ray? It's a debut movie of that. I think he's really good. He's good looking, he's charming, his Urdu is beautiful and he looks brilliant in the film. He is known for his creativity in the films and different different content, and now he's coming with what he knows like very different in this film. Like, टाइटल की बात करें तो शायरी आती है पिक्चर में, पर बहुत सारी शायरी, तो कितना अच्छा लगता है. उमीर के बारे में क्या कहेंगे, उनके डायरेक्टर के डायरेक्शन के बारे में, उनके कंटेंट के बारे में? मुझे लगता है ये इस फिल्म में सब कुछ है जो फिल्म में होना चाहिए. इट हैज़ पोएट्री, इट हैज़ म्यूज़िक, इट हैज़ लव, रोमांस, और मतलब यंग अच्छे लोग, अच्छे एक्टर्स हैं, गीतांजलि एंड जैन एंड ऑनीर तो बहुत ही वेटरन डायरेक्टर हैं, तो इट्स अ वेरी फ्लॉलेस डायरेक्शन आई फील. मैं मतलब मैंने ऑनीर के साथ एज अ प्रोड्यूसर काम भी किया है और अब एज अ डायरेक्टर भी काम करने जा रही हूँ. मुझे उनका काम बहुत पसंद मतलब है और इस फिल्म में एक बहुत रिफ्रेशिंग आइडिया उन्होंने जो है वो एक्चुअली दर्शाया है, तो मुझे बहुत मज़ा आया. मुझे लगता है कि दर्शकों को भी बहुत मज़ा आएगा इस फिल्म में. Actually, I've written the film, so okay. I wouldn't want to say much about the film. It's not about racism. No, it's not about racism at all. Okay. That somebody must have just written. It's about many things, actually. It's yeah. I mean, when it comes out, you will see. It is about driving lessons. Thank you.
देखो मैं मतलब उन्हें सर की पहली फर्स्ट लव स्टोरी है और इससे पहले उन्होंने जो भी फिल्म बनाई है वो इस तरह मतलब ये बहुत लाइट हार्टेड फिल्म है, तो मैं मतलब ये तो कंफर्म है कि कुछ नया होगा, मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा कि जो पहले देखा है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं मूवी देख के खुशी खुशी एकदम प्यार लेके बाहर आऊँ। देखो मैंने ट्रेलर देखा है और जहाँ तक मुझे देख के लगा तो मुझे ना एक मतलब एक होता है कि आप ट्रेलर देख के आपको कुछ खींचता है कि आपको ये देखना ही देखना है, और फिर नाम भी इतना प्यारा है कुछ भीगे अल्फाज, तो मतलब अगर आप मुझे यहाँ नहीं भी बुलाते तो मैं कहीं ना कहीं जाके ये फिल्म ज़रूर देखता, और नाम में शायरी है फिल्म के, तो फिल्म में होंगी काफ़ी सारी शायरी है फिल्म के अंदर। देखो उन्हें सर का मतलब उन्हें सर का एक बहुत अच्छी चीज़ है कि वो ट्रस्ट करते हैं नए एक्टर्स पे, मतलब मोस्टली होता है कि आपको लगता है कि शायद कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, लेकिन वो बिलीव करते हैं कि वो कर लेगा, और वो इतने हार्डवर्किंग है कि वो पहले बहुत सारी वर्कशॉप लेते हैं, बहुत सारा काम करते हैं। जब उन्हें सर ने जैन को लिया था तो मुझे यही लगा था कि जैन अगर फिल्म में काम करेगा तो अच्छा ही करेगा, क्योंकि उन्हें सर हैं और उन्हें सर अगर हैं तो वो मतलब वो मेक श्योर करेंगे कि काम अच्छा ही आए, नहीं तो वो आगे शॉट लेंगे ही नहीं। तो ये जैन के लिए और मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि हमने पहली फिल्म उन्हें सर के साथ की और बहुत कुछ सीखने को मिला, तो आगे कुछ भी काम करेंगे तो जो अभी सीखा है उसको यूज़ करेंगे वहाँ पर। थैंक यू। Box kind of director, and his films are really appreciated. The way he creates and weaves the whole story around characters and people is really to look forward to, and I'm really hoping that this film also would be like that. And good luck to Onir and the whole both the guys who are starring in the film. I'm really looking forward to this. Okay, Onir, sir, your first time exploring the romantic version in this movie, so what do you like to say? Not really, actually. It's not the first time he's he's a kind of romantic guy. He's quite a romantic guy, though. But this is not the first romantic, I'm sure of that. But yeah, he has been exploring different genres, you could say. And I think with every genre and every film, he surprises us, which is what I'm looking forward to. Any favorite film Not really, which I can mention, but I like all of them, because once there was a time that I was supposed to be working with him, and I'm really looking forward to that. Okay, one thing you like the most about the Onisa direction? He's different. He shows what he is. Simplicity rehta hai, creativity rehti hai, aur over the top kuch nahi rehta. Wo bahut achhi baat hai. Thank you. Thank you.
Unfortunately, I don't have any scene with her in the film, but many of you have seen the picture of her and it's very good. Ready with the second book? Writing it. Okay. Yes. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Excited because till now the reviews have already started coming. We had the press show in the morning, so till now the reviews have been very good, and also we've been traveling, and the overall warmth with which everybody seems to be receiving right from the trailer to now the film is something which is heartwarming. And but at the same time, one is nervous always, and hope tomorrow when the public goes to watch it, they will also enjoy it as much as everyone else is. Like Onur said, the reaction has been positive till now, and I'm really excited. Slightly nervous, but mostly excited. And pretty calm, to be honest. What one thing you can't forget from this? Zen's voice. Let's be honest. I've one thing you can't forget from her smile. Pressure up again. I'm nervous, yeah. And to be honest, I'm very nervous, but I'm also excited. I have full faith in what we've done. The reviews are really good, and that makes me happy. Everybody's loving it, whoever's seeing it. I've just curled audience, and it's my first time, so actually nervous. Because they are always
But I can't take names, no, that ye rebutical girl. But I mean, everyone say, I mean, overall it's been that it's a special love story set in the world of digital media, and the apt film for, everyone has written, it's the apt film for Valentine's weekend. And that's what the idea is, that we, this film celebrates love. This film celebrates love in the new age of social media. And I hope that, you know, people can connect, all ages, not just younger people. Okay, you're also writing with another script after Kulti Alpha Girl, right, the license. I said, right, the only thing in my mind, only thing in my mind is Kulti Alpha Girl. Okay, thank you.